आप लोग पहचान गए होंगे कि ये कौन सा पौधा है। यह लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है, मगर इस रंग का नहीं पाया जाता है, लाल रंग का पाया जाता है। और लाल रंग का पाया जाता है और उसकी पत्तियाँ उसी प्रकार हरी जो अपने यहाँ पाया जाता है। मगर यहाँ संयोग की बात है कि यह जो है शीतोष्ण वन होने के नाते अंडमान में यह जो है लाल पुष्प वाला जो पुष्प है उसकी पत्तियाँ सफ़ेद होती हैं। देखिए इन दोनों के गुण लगभग एक होते हैं और इसे जासवन भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं। ये इस फूल की विशेषता होती है, ये आप लोगों ने सबने देखा है कि इसके बीच से फूल के ये निकलता है तंतु और इसके इसमें परागकण होते हैं, इसी से इसका पर परागण होता है और इससे पुष्प उत्पन्न होता है। वैसे आजकल इसकी डालियां भी लगाई जाती हैं और लग जाता है डाल से लगाया। अब आप कहेंगे कि आपने इस पौधे के बारे में इतना क्यों बताया, उसका कारण है कि जासवन पुष्प लाल रंग का होने के नाते हम लोग लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, मगर यह पुष्प का रंग हल्का येलो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पाए जाने वाला गुड़हल का फूल ऐसा नहीं होता। गुड़हल में इस प्रकार की पत्तियाँ नहीं होती, पत्तियाँ ऐसी होती हैं और फूल लाल होता है। इसी प्रकार के साथ जिनमें तो ये मैंने बताया शिक्षकों का इसका सबसे ज़्यादा है आजकल महिलाओं में बढ़ती हुई एक रोग होता है PCOD। गर्भाशय में मासिक धर्म सही ना आने के कारण उनमें एक ग्लैंड पैदा हो जाती है और आजकल के लगभग 90% बच्चियों को 15 साल से भी शुरू हो जाता है, 12 साल से शुरू हो जाता है और उनको पीरियड संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं और उनको PCOD भी आती है। तो आजकल के एलोपैथिक डॉक्टर उन्हें हार्मोनल दवाइयाँ एंटी कंस्ट्रक्टिव डॉक्टर ये 20 दिन वाली आती हैं, सब लोग जानते हैं, वो गोलियाँ खिला करके उनका पीरियड डेट पर अब आता है। मगर मैं आपको बताऊं कि बार बार वो गोली खाने से जैसा उसका नाम है एंटी कंस्ट्रक्शन डोज कि अगर उनको लगातार खिलाएं तो ऐसी बच्चियां जिनकी मैरिज नहीं हुई या मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं तो वो स्थायी रूप से उनमें पांच बन आ जाते हैं। इसलिए उन दवाइयों का सेवन हार्मोन में आयुर्वेद के हम लोग कहते हैं हार्मोन खिलाने नहीं चाहिए, अगर खिलाना भी पड़े तो उनको बहुत अधिक समय लग सकता है। तो ऐसी अवस्था में यह बहुत अच्छा कारगर करता है। एक फूल आप लोग छोड़ें और इस फूल को भी यह जो है पुंकेश्वर वाला यह जो परागण वाली चीज ये वाली चीज ये अलग कर इसको अलग करके यह बहुत गर्म होता है, यह बहुत गर्म होता है। यह केवल जिनका एक महीने से ऊपर हो जाए पीरियड ना आया हो उनको 5 दिन अगर ये पूरा पुष्प खिला देंगे तो 5 दिन उनका पीरियड सब ले आ जाएगा, मासिक धर्म आ जाए। और नहीं है तो एक फूल इसको अलग करके एक पुष्प रोज जो है ये सेवन किया जाए पीस करके चबा करके तो उनमें PCOD की समस्या का स्थायी रूप से निदान 3 महीने लगातार सेवन करने 21 दिन से 3 महीने के अंदर इसका लाभ मिल जाता है। दूसरी चीज है यह इसमें ये जो आप देख रहे हैं यह ऊपर का है इनका पुंकेश्वर भाग है, नीचे का ये स्त्रीलिंग भाग है। ऊपर के पुष्प अलग हैं ये वाले और ये अलग हैं। तो इनका परागण ऊपर वाले पुष्प तक पहुँचे यह इनका प्रजनन का एक वो है परागण होता है। और इसका सबसे अच्छा गुण है इसका कि जो आप बताने जा रहा हूँ जैसे अभी तक नहीं आप लोगों को पता है किसी को जिन लोगों का आधा सिर दर्द हो बाई ओर का या क्या नाम दाई ओर आधा सीसी से किसी भी प्रकार का दर्द को माइग्रेन कहते हैं, जबकि आयुर्वेद में यह कई टाइप से वर्णन है। एक है जैसे कहा गया है हमारे यहाँ है सूर्यावर्ती सिर दर्द, एक सिर दर्द ऐसा होता है कि सूर्योदय होते ही शुरू होता है और होकर के 12 बजे 1 बजे एक्सट्रीम पर होगा, फिर जैसे सूर्य अस्त होगा उसी प्रकार उसका सिर दर्द कम हो जाएगा, उसको माइग्रेन कहते हैं।
मगर हमारे यहाँ आधा सीसी जिसमें आधा सिर दर्द, इसको सवन वायु का दर्द भी कहते हैं, और यह प्रसूता महिलाओं को होता है। जो आजकल सीजन बच्चे होते हैं वो महिलाएं कपड़ा नहीं बांधती हैं सिर में रख करके, उनको लेकर के यह मतलब जो है उन महिलाओं को अगर गर्भावस्था प्रसूत के बाद अगर यह 5 दिन तक यह पुष्प खिला दिया जाए दूध में घुट करके या पानी में ही दे दें, तो उनको इस बारे सबल वायु के दर मत सिर दर से मुक्ति हो जाए। उसी समय पर खिला देना चाहिए जैसे उनको नहीं बांधते ना बांधते। तो इससे यह है क्योंकि सबल वायु का दर्द बहुत खराब होता है, इसमें आँख की रोशनी भी चली जाती है और मायोपिया नाम का रोग आँख में आ जाता है जो बड़ा जटिल होता है। इसलिए तीसरा है प्रयोग, ये मैं बड़े अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। तीसरा है इसकी वैरायटी इन पौधों की, ये हर श्रृंगार का छुप श्रेणी का पौधा है। तो इसकी दातून भी हमारे दांतों को मजबूत करती है, जिनके दांत हिलते होते हैं अगर इसकी पत्तियों को ही चबा ले दो तीन को और खड़े ही थूक दे वो न खाए, या इसकी दातून उसकी शाखा की करें तो उसको 5-6 दिन में हिलते हुए दांत ठीक हो जाए। और एक बहुत ही गुणकारी चीज़ है कि हमारे पित्ताशय की थैली जो पित्त ज़्यादा प्रचुर मात्रा बन जाता है और हम जब उसका भोजन नहीं करते, हम टाइम पर भोजन नहीं करते हैं, तो उनके और चूँकि पित्ताशय बनता रहता है तो उस अवस्था में पित्ताशय की पथरी पड़ करके एक ऐसा रूप ले लेती है कि पित्ताशय काम करना ही बंद हो जाता है, एक्यूट पेन होता है। तो आजकल चिकित्सा जगत में चूँकि वहाँ से कोई ट्यूब नहीं होती है तो उसको ऑपरेट करके पूरा पित्ताशय ही रिमूव कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम यह इस पुष्प को नहीं लाल वाला पुष्प, यह लाल वाला पुष्प लेकर यह है लाल पुष्प। देखिए आप लोग अंतर समझिए, देखिए कितना अंतर है। यह पौधा यहाँ बीच में लाल होता है, ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता है। यह जो है जो पौधा है ये वाले को अगर आप चबा कर इसको दूध के साथ 20 दिन सेवन कर लें तो आपकी पित्ता से भी पत्ती और काम करने लगता है और पित्ता से में उसी प्रकार के साथ इसका क्या नाम श्रावित होना शुरू होता है।